वृद्धि दर में गिरावट आई है। और हमने 2000 पॉजिटिव केस है हमारे यहाँ, तो हमने 473 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर दिया है, उसमें से 193 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। और जो राष्ट्रीय औसत है मृत्यु का 3.18%, हमारे राज्य का 1.43% है। हम 15वें स्थान पे हैं। इसलिए राजस्थान में जो पेंडिंग सैंपल्स के रिजल्ट आने थे टेस्ट के, वो आए हैं, उससे थोड़ी संख्या बढ़ी है। नए केसेस के रूप में राजस्थान में पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, और हमारा परसेंटेज गिरा है। हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। अभी डेजर्ट इंस्टीट्यूट जो जोधपुर के अंदर है, वहां भी 300 टेस्ट पर डे करने का हमने काम शुरू कर दिया है। 4 जगह पे आरटीपीसीआर मशीन भेज दी है, वहां भी जल्दी शुरू हो जाएगा। भिलवाड़ा में हमको आईसीएमआर से आजकल में परमिशन मिलने वाली, वहां टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। अजमेर और जोधपुर में हम टेस्टिंग कैपेसिटी दुगनी करना चाह रहे हैं। और कोबोस 8800, जिससे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 3000 टेस्ट पर डे बढ़ जाएगी, वो हम जयपुर और जोधपुर के लिए खरीद रहे हैं, ऑर्डर दे दिया उसका। तो कुल मिला के राजस्थान में आज 5006 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली है। तो पेंडेंसी कम हो रही है, जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं उनके जांच के परिणाम समय पर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये ग्राफ संक्रमण का, वृद्धि दर का, वो कम हो रहा है राजस्थान।